तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जो राहुल गांधी ने बयान दिया, जो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राम राज्यवासियों, अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। जो तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। हम सब जानते हैं भारत में राम के बगैर कोई काम नहीं होता। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, बच्चे का जन्म होता है, अखंड रामायण का पाठ। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। डिक्लाइन किसी ने नहीं किया है। न जाने का मतलब ये नहीं है कि वो जाना नहीं चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। पार्लियामेंट का चुनाव बहुत नज़दीक है, लेकिन कांग्रेस के बहुत लोग गए हैं और मेरा मानना है जिन लोगों की आस्था है उनको जाना चाहिए। इसमें किसी तरीके की कोई राजनीति करनी नहीं चाहिए। देखिए, पहले कांग्रेस और ये गठबंधन, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये क्या कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख, समय, स्थान सब तय कर दिया, निमंत्रण भी भिजवा दिया। पहले कहते थे निमंत्रण नहीं मिला, जब निमंत्रण मिला तब आना नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, ये तो बहाने हैं जनता को बहकाने के, भटकाने के। धर्म सबका व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, कोई कहीं बंधा हुआ है, कोई कहीं बंधा हुआ है, लेकिन इस तरह से चुनाव को ध्यान में रखकर और कोई भी इस तरह की गतिविधि पहले नहीं होती थी। इन दिनों शुरू हुई जब से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का खुलेआम दुरुपयोग करने का काम शुरू किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने राजनीतिक रंग देकर भगवान राम को, राम जन्मभूमि को काल्पनिक सिद्ध करने का प्रयास किया, इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में रखने का महापाप किया, साधु संतों को मरवाया दिल्ली में, और लगातार प्रयास किया कि सनातन को कैसे नीचा दिखाया जाए, एक नहीं अनेक मामले दे सकता हूं। तो राम अनंत, लेकिन सियासत भी अनंतता जारी है। सियासत का जो दौर शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज चरम पर सियासत पहुंच जा रही है। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा मोदी का कार्यक्रम कैसे हो गया, जैसा कि राहुल गांधी ने आज कहा। अयोध्या नहीं जाने के डैमेज को कंट्रोल क्या कांग्रेस करने की कोशिश करे, दिग्विजय सिंह के बयान को देखें, राहुल गांधी के बयान को देखें, क्या ये कोशिश है। ओवैसी के भड़काऊ ट्रैक पर क्या दिग्विजय सिंह चल रहे हैं, क्योंकि ओवैसी अभी तक विवादित ढांचे के गिराने की बात कर रहे थे, मस्जिदों की रक्षा की बात कर रहे थे, वही बात लगभग दिग्विजय सिंह ने भी कही है। मंदिर पर वोट संकट में है क्या विपक्ष,
मंदिर के मामले पर धर्म संकट तो था ही, लेकिन वोट संकट के डर से भी क्या इस तरह की बयानबाजी हो रही है अपने आप में, ये महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आलोक वर्मा प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, संजीव सिंह हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ नेता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे, और वरुण जी महाराज हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं, नीतीश पांडे हमारे सहयोगी अयोध्या से मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन नोट करेंगे पहले नीतीश का। नीतीश, राम राज्य के लोग क्या कहते हैं, राहुल गांधी के इस बयान को किस तौर पर देखते हैं राम राज्य के लोग, और वो क्या सोचते हैं, क्या वाकई में 22 तारीख का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, या फिर वाकई में 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है, इससे खुशी की बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। पहले तस्वीरें दिखा दे और अयोध्या के विकास को सारे विरोध करने वाले लोग एक बार देख ले कि किस तरह का विकास है, फिर आम जनता क्या कह रही है वो भी हम आपको दिखा देंगे, सुना देंगे। तस्वीरें जरा राम बालक जी दिखाइए, देखिए ये समय हम लता चौक पर मौजूद हैं और सजी हुई ये पूरी अयोध्या नगरी जो भक्त आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए तैयार है, और जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, कांग्रेस बयान दे रही है, अन्य नेता भी अब कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इन बयानों से, क्या लग रहा है जिस तरह से निमंत्रण को नकारना, उस पर पर्दा डालने की कोशिश है क्या? देखिए, निमंत्रण को नकारना जो है ये इन्होंने जो अपने अपनी गलतियां हैं उस पर पर्दा डाल रहे हैं, ये देश को, देश की महामहिम जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर आप राम जन्मभूमि का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, आप क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आप सनातन विरोधी हैं। कहा यह जा रहा है कि ये मोदी का कार्यक्रम है, ये मोदी कार्यक्रम नहीं है, बीजेपी का कार्यक्रम, ये बीजेपी का भी कार्यक्रम नहीं है, ये इस देश की जनता का कार्यक्रम है, सनातन हिंदू का कार्यक्रम है। भगवान श्री राम देश के ही नहीं पूरे विश्व के हर एक सनातनी हिंदू के हृदय में वास करते हैं, और ये पूरा कार्यक्रम उन्हीं का है, ये किसी पार्टी का, किसी दल का, किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, ये आम जनता कार्यक्रम, ये भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, हमारी आस्था का केंद्र है ये। और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष का बयान सामने आ रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आम जनता क्या सोच रही है? भाई साहब, एक तो पहली बात कि निवेदन जो दिया गया है, निमंत्रण जो दिया गया है वो श्री राम जन्मभूमि की तरफ से दिया गया, ना कि बीजेपी की तरफ से दिया गया है, तो उसको ठुकराना यानी कि श्री राम जी को ठुकराना, लेकिन कार्यक्रम को, लेकिन कार्यक्रम को बीजेपी, मोदी, इन सब का, इन सब जो लोगों का बताना, तो क्या कहना है? भाई साहब देखिए, ये व्यक्तिगत किसी का हो सकता है, लेकिन श्री राम किसी के व्यक्तिगत नहीं हो सकते, बीजेपी अगर बता रही है तो उन्होंने ही ये सब बनवाया है, कोई आप बताइए क्या कहना है? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हम गुजरात से हैं, हम लोग सभी राम भगवान की एक आस्था है, राम भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, और राम भगवान सभी के है, किसी एक धर्म के नहीं, सभी के राम भगवान है। राम भगवान वो गीत है ना, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, जय श्री राम। बिल्कुल भाई साहब, ये हाथ ना आए खट्टे अंगूर है, ये मौका जनता ने उनको भी दिया था जब उनकी सरकारें थी, उन्हें करवाना चाहिए। जनता क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस बार जनता 450 के पार, ठीक है। जनता कह रही है कि भाई ये बीजेपी का ना कार्यक्रम है और ना ही मोदी का कार्यक्रम है, आखिर इसे मोदी और बीजेपी का कार्यक्रम क्यों बताया जा रहा है? संजीव सिंह साहब, आखिर ये कैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का हो गया, ये राजनीतिक कार्यक्रम कैसे हो गया? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस संघ का पूरा ये प्रायोजित कार्यक्रम है, और भगवान राम को लेकर के मैं फिर से कह रहा हूं कि धर्म सबकी व्यक्तिगत आस्था की चीज है। अभी कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी, श्री अजय राय जी और तमाम ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरयू नदी में वहां पे जाकर के वहां पे गोता लगाया, वहां पे हमने उसके बाद जाकर के हनुमान जी का दर्शन किया, फिर उसके बाद भगवान राम के आशीर्वाद लिया। और इसलिए कहना चाहता हूं कि सी राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, भगवान राम सबके हैं, कौन कहता है कि भगवान किसी पार्टी के हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं कि अभी जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं निमंत्रण भिजवाया, क्या ये ठेकेदार है क्या ये लोग? और जो लोगों को खड़ा करके आप बता रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो आप बताएं हिंदुस्तान की एक पार्टी इसने विरोध किया हो, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, पूरे देश ने सपोर्ट किया, इसलिए कि भगवान राम सबके हैं। और जो ये आप कह रहे हैं सनातन की बात नहीं है,
आज बात यह है कि एक तरफ सनातनी हिंदू है, एक तरफ राजनीतिक हिंदू है। राजनीतिक हिंदुओं का नेतृत्व वो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रही है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, अगर सनातन के पचीनों पे चलते तो चार चार शंकराचार्यों का अपमान कौन कर रहा है। आज एक भी शंकराचार्य नहीं, 2500 वर्ष पहले की जो परंपरा हिंदू इस सनातन धर्म की है, जब कभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं होता, आज उन शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है। आज हिंदू महासभा के जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो किस तरह से कहा जाए। और लगातार मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, ये सनातन धर्म का अब ये सम्मान अगर होता तो निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी आलोक वर्मा साहब